हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको टू ट्रैक स्लाइडिंग विंडो बनाना बताऊंगा। ये कैसे बनाई जाती है और इसमें क्या मटेरियल यूज़ होता है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपकी इसकी बारीकी से आपको पता लगेगा कि इसमें मटेरियल कैसा यूज़ होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए सीखते हैं स्लाइडिंग टू ट्रैक विंडो कैसे बनाई जाती है। ये है फ्रेंड्स टू ट्रैक स्लाइडिंग बॉटम, इसको बोलते हैं। इसका साइज़ होता है 2.5 इंच बाई 1.5 इंच। ये इसके ऊपर व्हील स्लाइड होंगे जो विंडो को स्लाइड करेंगे। ये है टू ट्रैक विंडो बनाने के लिए टॉप ट्रैक। इसका यूज़ विंडो के टॉप पे लगता है या चौखाट के अंदर की तरफ टॉप पे, जिसके अंदर विंडो स्लाइड होती है दोनों। इसका साइज़ 2.5 बाई 1.5 इंच का होता है। और ये है बॉटम ट्रैक अभी जो मैंने आपको दिखाया था, इसको हम अपने साइज़ पे कटिंग कर लेंगे जिस साइज़ का हमें विंडो को बनाना है। सपोज़ विंडो आपकी अगर 4 फुट ऊंची है और 3 फुट चौड़ी है, तो हम इसको 3 फुट का कटिंग कर लेंगे, 3 इंच लेस करके। कटिंग हमने शार्प करनी है, सीधी बिल्कुल, और इसको प्रॉपर हमें डिग्री पे काटना है। एग्जैक्ट मतलब कोई हमें इसमें ऊँचा नीचा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी तिरछा नहीं कटना चाहिए, अगर तिरछा होगा तो आपके ज्वाइंट नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का हमने ख़ास ध्यान रखना है। और इसी के ऊपर हमारे डोर स्लाइड होंगे, स्लाइडर जो टू ट्रैक के जो डोर्स होंगे वो इस सीट के ऊपर स्लाइड होने हैं, इसलिए हमें बहुत सीधा लगाना है इसको। कटिंग करने के बाद हम इसका गुनिया कर लेंगे। गुनिया हमने बिल्कुल सीधा करना है ताकि ये प्रॉपरली जॉइंट आपस में मिल जाए। ये बॉटम ट्रैक हमने यहाँ पर फिट कर दिया 1.5 इंच के स्क्रू के साथ राइट साइड में। अब हमने यहाँ पर एक यहाँ पर टॉप ट्रैक लगाया है और दूसरा हमने राइट लेफ्ट साइड में लगा दिया है। टॉप ट्रैक को हम बाद में फिट करेंगे जब हम स्लाइडिंग विंडोज़ लगाएंगे। और इसको बोलते हैं हैंडल सेक्शन। इसमें हमारे स्लाइडिंग डोर्स बनेंगे और साथ ही हमारा इसमें यहाँ पे इस जगह पे ग्लास फिट होगा। ये है इंटर सेक्शन। ये विंडो के हमारे आपस में एक दोनों डोर्स को एक दूसरे के साथ लॉक करेंगे। इसका साइज होता है 1.5 इंच बाई 2.5 इंच। ये है सिंगल ग्रुप सेक्शन, इसको हम बोलते हैं प्लेन सेक्शन भी बोलते हैं। और इसका साइज भी सेम होता है 1.5 इंच बाई 2.5 इंच। और ये विंडो के राइट या लेफ्ट साइड में लगता है जहाँ पे विंडो के ट्रैक के अंदर जाएगी ये। और ये हमने फ्रेंड्स एक विंडो सेक्शन में से छोटा पीस कटिंग कर लिया है ताकि हम ड्रिल करने के लिए एक फर्मा बना सकें। और इसमें 1.5 इंच के स्क्रू लगा के आप साइज़ सेट कर सकते हैं। और ये हमने एक फर्मा काट लिया जिससे हमने स्क्रू करने हैं और निशान लगाने हैं विंडो सेक्शन के ऊपर, ताकि हमें एग्जैक्ट ड्रिलिंग करने में आसानी रहे। ये एक कटिंग करके उसमें स्क्रू लगा दिए हमने 1.5 इंच के। अब ये स्क्रू लगाने के बाद हम इससे हथौड़ी के साथ चोट करके इस पर निशान ले लेंगे। और ये एक जिस साइड हमने हैंडल का लगाना है तो उसके दोनों अंदर और बाहर दोनों की तरफ हैंडल के निशान लग जाएंगे हैंडल सेक्शन के। और जो हमने टॉप की तरफ रहेगा विंडो का टॉप रहेगा उसमें प्लेन सेक्शन के ऊपर सेम ऐसे स्क्रू लगा के उसी तरह से हमने प्लेन वाली सेक्शन के ऊपर स्क्रू करके उससे हमने ड्रिल करने के लिए मार्क लेने हैं। दोनों का तरीका सेम है, सिर्फ फर्मा जो बनाया था हमने 1.5 इंच का वो प्लेन का बनेगा, ये कॉलर सेक्शन का बना है हैंडल सेक्शन का। पहले मार्क हमने प्लेन वाली साइड प्लेन सेक्शन की साइड किए थे, अब हम ग्रुप सेक्शन वाली साइड मार्क कर रहे हैं। ये मार्क हमने दोनों तरफ लेने हैं दोनों विंडो के, और निशान इस तरीके से दिखेंगे, दोनों आ जाएंगे आपके प्रॉपर निशान। और जो फर्मे के साथ हमने निशान लगाए थे थोड़ी सा चोट लगा के, उसी के ऊपर हमने 1.5 सूत के बिट के साथ होल कर लेने हैं। अब हम उसी सेक्शन के दूसरी तरफ ग्रुप वाली साइड में वही निशान के ऊपर से सेम वैसे ही ड्रिल कर लेंगे। और अब हम विंडो के नीचे वाले सेक्शन में स्लाइडिंग सेट फिट करने के लिए कॉर्नर से 3 इंच छोड़ के 2 इंच का कट लगा देंगे, ड्रिल करके बार बार उसको वहीं से ड्रिल से थ्रू कट कर देंगे।
होल करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। बाद में हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये ड्रिल के थ्रू, बिट के थ्रू, ऐसे पूरी ये कट करके बाहर निकाल देना है इसको। अब हमने ड्रिल से बाहर कटिंग करके इसका एक्स्ट्रा पीस निकाल दिया और ये होल रह गया यहाँ पे। इस बॉटम के हमने दोनों साइड में होल किए हैं स्लाइडिंग सेट फिट कर। कटिंग करके बाहर निकालने के बाद अब ये रेडी है स्लाइडिंग सेट लगाने के लिए। ये है स्लाइडिंग सेट जो ट्रैक के ऊपर चलेगा, यहाँ ऐसे फिट हो जाएगा और यहाँ स्क्रू लग जाएंगे दो, दूसरा इस तरफ लग जाएंगे। एक बॉटम में दो स्लाइडिंग सेट लग देंगे, दो पीस लगेंगे और इसको हम स्क्रू कर देंगे यहाँ पे। इस स्क्रू के साथ ये यहाँ पे ड्रिल करके फिट कर देंगे दोनों कि ये हिले ना, फिक्स हो जाएगा ये यहाँ पे ऐसे। अब ये हमने हैंडल सेक्शन बॉटम यानी कि जिसमें हमने व्हील सेट से फिट किए थे पहले, उसको हम 75 mm के स्क्रू के साथ यहाँ पे फिट कर देंगे इस ग्रुप में। यहाँ से इसको टाइट करके लगा देंगे इसमें, इसमें दो स्क्रू लगेंगे। ये दोनों स्क्रू हमने लगा दिए और इसको अब ड्रिल के साथ अच्छे से टाइट कर देंगे दोनों स्क्रू को। ड्रिल की स्पीड थोड़ा स्लो ही रखनी है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए, वरना स्क्रू टूट सकता है अंदर। जैसे हमने इस तरफ फिट किया है दो स्क्रू के साथ फ्रेम को, उसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी दो स्क्रू के साथ इसको ग्रुप में लगा के यहाँ पे स्क्रू, वही सेम 75 mm के स्क्रू के साथ यहाँ पे इसमें कस देना है इसको। ड्रिल की स्पीड थोड़ी स्लो रखें ताकि ये एकदम से टूट ना जाए, धीरे धीरे इसको अंदर जाने दें स्क्रू को और अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब दोनों साइड से टॉप और बॉटम को फिक्स करने के बाद अब हम इसका वर्टिकल पैनल लास्ट वाला फिट कर देंगे। इसमें भी हम दो स्क्रू लगाने हैं बट हम अब ये इसमें एक स्क्रू लगा के इसको छोड़ देंगे ताकि क्योंकि हमें इसे एक बार दोबारा फिर खोलना पड़ेगा ग्लास फिट करने के लिए। अभी हम जैसे इसकी साइज़ को एक्यूरेट सेट करने के लिए, इसकी फिटिंग को सेट करने के लिए अभी एक स्क्रू लगा के हम इसको सेट चेक कर लेंगे ट्रैक पे लगा के, और बाद में इसमें स्क्रू को खोल के इसमें ग्लास डालने के बाद फिर हम इसमें वापस दोनों स्क्रू लगा के इसको टाइट करके कस देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से, इस साइड भी हमने एक ही स्क्रू लगाना है। अभी एक स्क्रू लगाने से यह है कि आपका टाइट भी हो जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी खोलने के लिए, दोबारा खोलना पड़ेगा इसको, और आपकी डिग्री चेक करने के लिए एक स्क्रू काफ़ी है। ये हो गया टाइट, चलिए अब आपकी विंडो रेडी है। अभी आपकी विंडो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसमें हमने ग्लास लगाना है और उसके बाद ट्रैक पे ये फिट कर देना है इस विंडो को। दूसरी विंडो हमने पहले से बना के रखी हुई है, इसको ट्रैक पे कैसे फिट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी तो इस वजह से मैंने आपको सिर्फ विंडो के बनाने का तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रैक फिट करना बता दूंगा। ये अब आपकी दोनों विंडो रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ इसमें ट्रैक में लगाने के बाद ये यहाँ पे लॉक हो जाएंगे इंटरलॉक आपस में, और हम राइट वाली को लेफ्ट साइड स्लाइड कर सकते हैं और लेफ्ट वाली को राइट साइड स्लाइड कर सकते हैं। आपकी विंडो रेडी है, अब ये ट्रैक फिट कर दिए, ये बॉटम ट्रैक और ये साइड में टॉप ट्रैक इधर, और एक टॉप ट्रैक
साइड में ये लग गया आपके राइट साइड में। फ्रेंड्स अब ये स्लाइडिंग विंडोज़ पूरी तरह से रेडी हो गई है, इसको हमने ट्रैक पे अपनी जगह पे फिट कर दिया है। मैं आपको ट्रैक और ग्लास फिट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ये स्लाइडिंग विंडो आपकी रेडी हो गई है, स्लाइडली स्मूथ हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।